हेलो दोस्तों, राम राम, जय जोहार। मेरा नाम कविता विश्वकर्मा है और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के ऐसे पांच प्लेस के बारे में बातें करेंगे जो अपने आकर्षण और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप एक उत्साही ट्रैवलर हो जो जीवन की सुंदरता का अनुभव करने के लिए विभिन्न स्थानों का पता लगाना पसंद करते हैं, तो छत्तीसगढ़ आपकी यात्रा में बहुत खूबसूरत यादें जोड़ सकता है, जहां आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। विंटर सीजन सबसे अच्छा समय है जब आप छत्तीसगढ़ की सुंदरता का पता लगा सकते हैं। जहाँ हर कोने पर हरियाली फैलती है तो पूरा राज्य खूबसूरत दिखता है। अपने परिवार के साथ हो या अपने दोस्तों के साथ, आप सर्दियों में राज्य के रमणीय आकर्षण देख सकते हैं। राज्य में ऐसे कई स्थान हैं जो आपको सर्दियों के मौसम में ज़बरदस्त दृश्य देंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे पांच प्लेस जहां विंटर सीजन में हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो पहले नंबर पर है मैनपाट। के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और जब सर्दियों के दौरान तापमान शून्य से नीचे चला जाता है तो नाम इसे बिल्कुल सही ठहराता है। नेशनल हाईवे से 7 घंटे 30 मिनट का ड्राइव आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करेगी, या आप रायपुर रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली ट्रेन की यात्रा करके 371 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है छत्तीसगढ़ के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक, जहां प्राकृतिक खूबसूरती, आंखों को सुकून देने वाले झरने और चारों ओर हरियाली इसे छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा विंटर सीजन डेस्टिनेशन बनाता है। कार के द्वारा इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको नेशनल हाईवे से 9 घंटे का ड्राइव करना पड़ेगा, या फिर आप बस की यात्रा कर सकते हैं जिसमें 11 घंटे से अधिक का समय लगता है। तो बेलाडीला के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, ट्रेन से जगदलपुर की यात्रा और बाकी हिस्से को आपको बस या फिर ट्रेन से कवर करना होगा। थर्ड है अमृतधारा, हसदेव नदी, पांगो बांध, जगन्नाथ मंदिर चिरमिरी के कुछ सुमरम्य स्थलों में से हैं, जहां पे आप अपनी सर्दियों की छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। तो चिरमिरी समुद्र तट से 576 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रेन से 345 किलोमीटर की दूरी तय करके या फिर नेशनल हाईवे के थ्रू 297 किलोमीटर की दूरी तय करके आप बिना किसी परेशानी के डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। चिरमिरी पर्यटकों के बीच 1942 में चल रहे कोयला खदानों के कारण भी प्रसिद्ध है। और फोर्थ नंबर पे है यह हिल स्टेशन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है और यह एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां गुफाएं, मंदिर, शानदार झरने और नदियां इसे यात्रियों के लिए एक सार्थक हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाती है। आपको अक्टूबर और फरवरी के बीच इस हिल स्टेशन की यात्रा की योजना बनानी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के इस विंटर सीजन डेस्टिनेशन की यात्रा आपको एक अच्छा अनुभव भी देगी और आपकी यात्रा को एक यादगार भी बना देगी। दुर्ग से अंबिकापुर के लिए सीधी ट्रेन आपको 8 घंटे के भीतर डेस्टिनेशन तक पहुँचने में मदद करेगी, इसलिए आप उसी के हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाइएगा।